जो काम कर रहे हैं, मोदी साहब हमेशा यही काम करते हैं। वो क्या बोलेंगे आप, इमोशनल एक फोबिया क्रिएट करने के लिए वो करते हैं। लक्षद्वीप बनाम मालदीव विवाद को लेकर न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी घमासान छिड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने जैसे ही लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जिससे सोशल मीडिया में हलचल बढ़ा दी है। ऊपर से मालदीव के मंत्रियों ने जब पीएम मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणी कर दी तो सोशल मीडिया में वॉर शुरू हो गया। लोगों और सियासी दलों के साथ पूरे बॉलीवुड ने मालदीव को निशाने पर ले रखा है। इस खींचतान के बीच कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी पर ही तंज कसा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी 2024 से ही सब कुछ व्यक्तिगत रूप से ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर लोगों को भड़काने तक का आरोप लगा डाला। ये जो काम कर रहे हैं, मोदी साहब हमेशा यही काम करते हैं और लोगों को बताने के लिए और भड़काने के लिए और इमोशनल एक क्या बोलेंगे आप, इमोशनल एक फोबिया क्रिएट करने के लिए वो करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो हम अपने नेबर के साथ ठीक रहना चाहिए, अगर कोई गलती करता है तो बैठ के बातचीत से सुलझाना चाहिए। यही नहीं, खड़गे ने सरकार को सलाह भी दे डाली कि हमें अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि जो बात बातों से सुलझ सकती है उसे लंबा खींचना या सियासत करना अच्छी बात नहीं है। कोई हमारे सॉवरेंटी को धक्का दे रहा है, कोई अगर हमारी टेरिटरी में घुस रहा है, कोई अगर अपने जो हमारे सुरक्षा के लिए धक्का है, तो ऐसे लोगों को हम सबक सिखाना चाहिए। लेकिन जो चीज़ बातों से बनती है और एक दूसरे के बातचीत से होती है, तो ऐसे में हम चुपी झगड़ा कर लेके एक दूसरे से लड़ने में कोई फायदा नहीं है। यानी जिस मुद्दे पर ज्यादातर लोग मालदीव को आड़े हाथों ले रहे हैं, उस बीच खड़गे का मालदीव के बहाने पीएम मोदी पर हमले के क्या मायने हैं, ये तो पार्टी के स्टैंड को दर्शाता है। बहरहाल बता दें कि फिलहाल पूरे देश में मालदीव के मंत्रियों की पीएम मोदी पर टिप्पणी से पूरे देश में उबाल है। उधर मालदीव के राष्ट्रपति मामले पर लीपापोती में लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल मामला अभी थमने का नाम नहीं लेता हुआ दिख रहा है। ऊपर से खड़गे के इस बयान ने इस विवाद को नया सियासी रूप दे डाला है, जिस पर सियासी घमासान मचना तय है।